नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कन्या लगन व मकर राशि के लिए अक्टूबर 2021 का राशिफल। कन्या लगन का क्या अर्थ है कि आपकी लगन कुंडली में ये जो पहला भाव है इसमें 6 नंबर का अंक लिखा है, इसका अर्थ है आपका कन्या लगन है। और चंद्रमा जो है पंचम भाव में बैठा है 10 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी मकर राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर कन्या लगन व मकर राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर आपका कम्बिनेशन कन्या लगन व मकर राशि का है तो अक्टूबर का महीना आपके लिए 55% तक बढ़िया जाने वाला है। अब यह 55 से ज़्यादा बढ़िया जा सकता है बशर्ते आपकी कुंडली की दशाएं बढ़िया हों, और यह 55 से कम भी हो सकता है, 50 पे भी आ सकता है अगर कुंडली की दशाएं नेगेटिव हुई। सबसे पहले देखें कि कन्या लगन व मकर राशि के लिए अक्टूबर के माह में क्या क्या है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। देवगुरु बृहस्पति पंचम में विद्यमान है, उनकी लगन और भाग्यवाप पर दृष्टि है, और यहाँ से भी देवगुरु बृहस्पति लगन पर है, उनकी पंचम और भाग्यवाप पर दृष्टि है। ये समय कैरियर में आगे बढ़ने का है। आपके पास अगर वर्तमान में जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल सकती है। आप वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन मिल सकता है। आप अगर अपनी प्रमोशन वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसकी संभावना है, बशर्ते आपकी कुंडली की दशाएँ जो हैं भाग्येश शुक्र की, दशमेश बुध की, या लाभेश चंद्र की, या सप्तमेश गुरु की हुई तो आपकी प्रमोशन होने की संभावना है। व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय बहुत अच्छा है। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। और कन्या लगन व मकर राशि के लिए अक्टूबर के माह में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर होगी। आपको कहीं से धन आने का इंतजार था तो वो इंतजार आपका पूरा होगा। कन्या लगन और मकर राशि के जातक अगर विवाह के योग्य हैं और अभी इंतजार में हैं कि उनका विवाह तय हो जाए तो इस माह उनका विवाह तय होने की संभावना बनती है, बशर्ते उनकी जन्म कुंडली में जो दशा चल रही है उसका संबंध वो या तो लग्नेश बुध की या सप्तमेश गुरु की हो, या किसी ऐसे ग्रह की दशा हो जो लगन में बैठा हो, या सप्तम भाव में बैठा हो, या बुध या गुरु से युति करके बैठा हो, तो उस स्थिति में उनका विवाह होने की तय होने की संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है। पंचम भाव में गुरु और शनि चल रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई के अवसर मिल सकते हैं, जो उनकी रुकी हुई पढ़ाई थी वो दोबारा शुरू हो सकती है। अगर आप संतान प्लान करना चाहते हैं तो संतान प्लान कर सकते हैं। गुरु पंचम में चल रहा है, पंचमेश गुरु और शनि दोनों पंचम भाव को इफेक्ट दे रहे हैं, गुरु की दृष्टि नवम भाव पर भी है। संतान प्लान करने के लिए समय बहुत अच्छा है, बशर्ते आपकी कुंडली में लग्नेश की, पंचमेश की या नवेश की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, यानी बुध की, शुक्र की या शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप संतान प्लान कर सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह में डील करते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी के सौदे करने का समय अच्छा है। अगर आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो ये समय ऐसा है कि आप कोई सौदा करें तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। इस माह कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी रखिएगा। कुटुंब के सदस्यों में, भाइयों वगैरह में आपस में किसी प्रकार का विवाद या गलतफहमी होने की संभावना बनती है। इस माह ध्यान रखिए कि आपके वाणी भाव पर मंगल बैठा है और मंगल आपकी कुंडली में अष्टमेश है। वाणी भाव पर एक तो जब अष्टम भाव का स्वामी किसी भाव से इफेक्ट करता है तो उस भाव से संबंधित नेगेटिविटी देता है, तो अष्टम भाव का स्वामी अगर वाणी भाव में बैठ गया है तो ये बात तय है कि आपके अगर कोई काम बिगड़ेंगे अक्टूबर माह में तो आपकी वाणी से बिगड़ेंगे। यानी आपने किसी को गलत बोल दिया और होता हुआ काम रुक गया। जो भी बात बोले बहुत सोच विचार कर बोले, आपकी बात ऐसी ना हो कि सामने वाले को बुरी लग जाए। क्रोध कम करें, कटु भाषा का इस्तेमाल कम करें, और साथ ही मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। वाहन को बिल्कुल सावधानी से चलाएं, वाहन चलाने में बिल्कुल लापरवाही ना करें। तो मेरा यह मानना है कि अगर आपका कन्या लगन व मकर राशि का कम्बिनेशन है तो अक्टूबर का माह आपके लिए 54% तक बढ़िया जाने वाला है। ये 54 से 60 भी हो सकता है, बशर्ते आपकी कुंडली की दशाएं बहुत पॉजिटिव हों, भाग्येश शुक्र की, दशमेश व लग्नेश उसकी बुध की, या पंचमेश शनि की दशा चल रही हो, या सप्तमेश गुरु की दशा चल रही हो, तो ये आपको और बढ़िया रिजल्ट देगा। और अगर दशाएं नेगेटिव हुई जैसे अष्टमेश मंगल की या द्वादश सूर्य की दशा चल रही होगी तो ऐसी स्थिति में हो सकता है ये 54 से 50% रिजल्ट आए। तो ये निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में दशा कौन से ग्रह की चल रही है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।